हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम्स गुड टाइम्स, जहां पर हम बात करते हैं अबाउट फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, स्टाइलिंग एंड ऑल लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स। बिफोर आई प्रोसीड फॉर माय वीडियो, आई हैव टू से दैट आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग अ लिटिल इरेगुलर। बीच में मैं थोड़े वीडियो स्किप कर गई थी बिकॉज आई वॉज नॉट कीपिंग वेल, एंड येस आई वॉज डाउन विद कोविड पॉजिटिव, बट नाउ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम इट एंड आई एम ऑल क्लियर एंड आई एम वेल। येस वीकनेस थोड़ी सी है, बट नॉट दैट आई कैनॉट क्रिएट माई वीडियोज, सो आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड ट्राइंग टू मेक सम यूजफुल वीडियोज विच विल एड वैल्यू फॉर माई वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज देयर आई कीप शेयरिंग अ लॉट ऑफ इमेज कोचिंग, स्मॉल टिप्स, माई सारी स्टाइलिंग, अ लॉट ऑफ रील्स, एंड इट्स क्वाइट हैपनिंग ऑन द अदर साइड, सो डू फॉलो मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक इज शेयर बिलो। नाउ विदाउट अ फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस हमारी ह्यूमन टेंडेंसी जो एक है, हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे लिए बहुत अच्छा बने, सब कुछ हमारे मुताबिक चले, एवरीथिंग शुड बी हंकी डोरी एंड हमारी ज़िंदगी की पहिया जो है वो बिल्कुल मस्त चलती रहे। बट नहीं, द बैड पार्ट इज ऐसा हर समय होता नहीं है। येस देर आर टाइम्स जब हमारे साथ ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होता है या यू नो वी आर नॉट डूइंग दैट गुड इन आवर लाइफ्स, हमें रीस्ट्रैटेजाइज ज़रूर करना पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। वी हैव टू लुक इनटू आवर लाइफ्स, वी हैव टू डेल्व इनटू आवर लाइफ्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि हमें कौन सी चीज़ें हैं जो ठीक कर लेनी चाहिए सो दैट आवर लाइफ्स कैन गेट बैक ऑन ट्रैक। बट आई हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू रियलिटीज़ इन माई लाइफ जो कि थोड़ी हार्श ट्रूथ है, एंड ये हमें ना सुनना अच्छा लगता है और ना ही हमें ये एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है। बट द सूनर वी एक्सेप्ट दीज, बिकॉज ये जो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ये हमारी डे टू डे लाइफ में ये काफ़ी पॉपअप होती रहती हैं, एंड द फास्टर एंड द सूनर वी एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट दीज हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, वी विल बी इन अ पोजिशन टू टेक चार्ज ऑफ आर लाइफ एंड ट्राई टू क्रिएट इफ नॉट दैट फेरी टेल हैप्पीनेस बट सम अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस इन टू आर लाइफ। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन सी 7 हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ है जिसे हमें जल्द से जल्द अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट एंड एक्सेप्टेंस दे देना चाहिए। सो माय टिप नंबर 1 इज यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यस, सबसे पहले लाइफ में आप ये जान लीजिए कि आप जिंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। आप अपने खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी इन देयर लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं भी जाएं, यू स्टील द शो, यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यू आर द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, लोग आप ही के बारे में सब वाह वाह करें, शाबाशी करें, आप ही को प्रेज करें, ऐसा लाइफ में नहीं होता है। वाई? बिकॉज यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट टू पीपल इन लाइफ। सो एक्सेप्ट दिस फैक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि हम कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लाइफ से सेट कर लेते हैं, सो जिससे जब हमें ये पूरी नहीं होती है, फील कि लाइफ बहुत हार्श हो गई है हमारे पे, वी फील वेरी डिप्रेस्ड, वी गेट इनटू अ डिप्रेशन एंड वी एंड अप मेसिंग अप थिंग्स इन आवर ओन लाइफ। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज अपने मन को ट्यून कर लीजिए दैट यू आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस लाइफ। सेकेंड पॉइंट इज नॉट एवरीबडी विल लाइक यू। जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जितना भी किसी के लिए कुछ कर दें, जितना भी आप किसी को खुश रखने की कोशिश करें, आप इम्प्रेस करें अपने जॉब से, अपने एक्टिविटी से, दैट पीपल विल लाइक यू। सो इफ़ यू फील दैट डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स यू आर नॉट एबल टू मेक दैट प्लेस इन समवन्स हार्ट, वेदर इट इज़ प्रोफेशनली, वेदर इट इज़ सोशली और वेदर इट इज़ मेंटली, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन ट्राइंग टू इम्प्रेस somebody. वो वर्क ज़ाया ना करें कि जिसमें आप किसी को इम्प्रेस कर पाए, rather you utilize that work in honing your skills. आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए towards a successful life, because आप जितना भी कोशिश कर लीजिए guys, एक कहावत है कि अगर आप अपने सर भी कदम करके किसी के कदमों में रख देंगे, you will not be able to win that love and that attention that you are craving for from a person's life. So, why waste time? The third point, not everybody will listen to you. जी हाँ, कभी कभी हम हमारे बच्चों को भी advices देते हैं या some friend in need जो होते हैं, we try to give them advices and we think that person will adhere to or will listen to us. And when they don't, you definitely feel bad about it. So, ये भी एक बहुत harsh reality of life है that everybody is not going to listen to you. जी हाँ, अगर आप किसी को कुछ advice देते हैं, definitely उसके पीछे आपका अच्छा मकसद ही छिपा हुआ रहता है. But if it is not heard, do not get depressed in life.
जस्ट मूव ऑन. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस इन लाइफ. जी हाँ, आज जब हमारे साथ जिंदगी में अगर कभी भी कुछ गलत हो जाता है या चीज़ें हमारी मुताबिक नहीं होती है, ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है, सबसे पहले हम रीजंस ढूंढते हैं. वी फाइंड आउट सर्कमस्टांशियल रीजंस या वी ट्राई टू ब्लेम पीपल फॉर दैट कि मैं आज सक्सेसफुल नहीं हो पाई बिकॉज इसने मुझे मदद नहीं किया, मुझे ये नहीं कर पाई, आई वॉज नॉट सपोर्टेड, यू नो देयर वॉज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स समबडी एल्स, दैट्स व्हाई आई कुड नॉट ब्रैग दैट जॉब. देयर आर अमतीन रीजंस जब हम किसी को दोषी ठहराते हैं या सर्कमस्टांसेस को दोषी ठहराते हैं व्हेन वी बिकम अनसक्सेसफुल इन लाइफ एंड वी डोंट हेल्ड आवरसेल्व्स रिस्पॉन्सिबल. सो दोस्तों, सबसे पहले बिना किसी को मोहरा बनाए आप अपनी जिंदगी में खुद को अकाउंटेबल कीजिए फॉर योर एक्शंस. इफ यू होल्ड योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, यू विल बी टेकन सीरियसली इन योर. नंबर 5, द वेरी बिटर हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ. ये सुनने में भी अच्छा नहीं लगता और ना ही मुझे ये एक्नॉलेज करने में अच्छा लग रहा था, बट ये लाइफ की बहुत एक कड़वी हकीकत है. पीपल वॉन्ट यू टू डू वेल इन योर लाइफ बट उनसे ज्यादा नहीं. जी हाँ, हर कोई हर किसी के लिए शायद विश करता है, हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं, कि हाँ हाँ तुम बहुत अच्छा कर लो जिंदगी में, बट दे विल विश यू लक नॉट बेटर देन देम. जी हाँ, दिस इज अनदर बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ. आउट द मोमेंट यू आउट परफॉर्म देम, आप अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करें, आपने बहुत पैसे कमा लिए, आपने बहुत नाम शोहरत बहुत कुछ कमा लिया, द मोमेंट यू डू बेटर देन देम, आप देखिएगा कि रिलेशनशिप्स जो है, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो या ऑफिशियल सर्कल में हो या फ्रेंडशिप सर्कल में हो, वो काफ़ी स्ट्रेन हो जाती है. जो पहले की जो वो मधुरता जो रहती है रिलेशन में, वो धीरे धीरे खोने लगती है. एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस दैट व्हेन यू ट्राई टू आउट परफॉर्म योर फ्रेंड्स टू टर्म्स विद दिस एज अर्ली एज पॉसिबल. आई हैव सीन पीपल यू नो जो इसके बारे में बहुत पॉन्डर करते हैं, क्या ऐसा मैंने कर दिया, क्या हो गया, पहले तो ऐसा सब ठीक चलता था, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो रादर देन फोकसिंग योर सेल्फ, बिकॉज इस वक्त आपको पता चल जाता है कि कौन आपका असली वेल विशर है एंड हु इज नॉट योर वेल विशर. सो वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, ट्राई टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम पीपल एंड फोकस इन बिल्डिंग योर विजन, इन बिल्डिंग योर करियर. पॉइंट नंबर 6, डोंट डिस्प्ले योर इमोशंस टू एनीबडी एंड एवरीबडी. कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हम कभी डिप्रेस रहते हैं या जैसे कि मैंने कहा चीज़ें नहीं चलती हैं अपने मुताबिक. सो व्हाट वी डू, वी ट्राई टू वेंट आउट आवर फीलिंग्स. हम किसी का शोल्डर हायर कर लेते हैं, बोरो कर लेते हैं एंड वो कंधे पे सर रख के हम रोते हैं. हाउ, बाय सेइंग आवर सैडनेस, बाय डिस्क्लोजिंग व्हाट पेन वी आर गोइंग थ्रू इन लाइफ. बट गाइज, ट्राई टू रिफ्रेन योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स, बिकॉज कंधा तो लोग दे देते हैं रोने के लिए, बट You become a material of बेचारा. मोमेंट आप किसी के कंधे पे रो लेते हैं, सो सामने वाला जो होता है वो उस समय के लिए आपको सहानुभूति तो जरूर दिखाता है, बट इवेंचुअली क्या होता है, यू बिकम अ बेचारा इन हीज और हर बुक. बेचारे के पास फाइनेंस नहीं है, बेचारे की करियर अच्छी नहीं बन रही है, बेचारा कुछ जिंदगी में कर नहीं पा रहा है, बेचारे की शादी टूट गई, बेचारे का डिवोर्स हो गया, सो यू बिकम अ बेचारा इन योर लाइफ. तो क्या आप अपनी जिंदगी में किसी के पास बेचारा होकर रहना चाहते हैं? नॉट द लिस्ट टिप इज डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी एल्स. आपको भी नहीं पता कि कोई सामने वाला क्या सिचुएशन से गुजर के जो भी मुकाम पे पहुंचा है. सो आप अपने आप को कभी भी कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ. गाइज, ये सबसे ज्यादा हानिकारक चीज है. अगर हम अपने आप को जो भी फिनेंशियल सिचुएशन में है, जो भी फिजिकल सिचुएशन में है, जो भी मेंटल स्पेस में है हम, इफ़ वी कंपेयर आर सेल्फ विद अदर पर्सन, एंड जब हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं, हमें दूसरों की हर कुछ अच्छी लगती है. हमें किसी का लाइफस्टाइल अच्छा लगता है, किसी का कपड़े अच्छे लगते हैं, किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी लगती है, किसी की सोशल लाइफ अच्छी लगती है, एंड तब हम अपने आप को बहुत डिमीन कर देते हैं. जब आप अपने आप को डिमीन करते हैं, यू आर नॉट पेइंग रेस्पेक्ट to the activities or to the actions that you are taking in your personal life to bring about a change in your life. So that way the universe will also not come to your support. So best part is stop comparing yourself with others, be compassionate with yourself and acknowledge yourself from time to time ki haan main jo kadam le rahi hoon ya le raha hoon wo bilkul sahi hai, wo bhi achha result laega. Have faith in yourself. The sooner you realize that this is your battle and you have to fight your own battle, the faster becomes the chances of being successful and achieving happiness in your life. So guys, ye thi meri aaj ki video where I have discussed the 7
harsh realities of your life and the faster you accept it, the better आपकी ज़िंदगी में आप खुशहाली ला पाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो आप इसे एक लाइक ज़रूर दें। एंड थैंक्स टू दोज़ हू हैव सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई रिक्वेस्ट दोज़ जो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूँ ही वैल्यू एडेड वीडियोज़ आपके लिए बना के लाया करती हूँ। आई विल बी सीइंग यू सून विद माई न्यू कॉन्टेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द टिंग टिंग आइकन विच विल कीप यू अपडेटेड अबाउट ऑल माई लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तब तक के लिए आप खुश रहिए, एंड चुस्त रहिए। आई लव यू ऑल। Happy Oz!